IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है क्रिसमस की एक प्रेरक कहानी पश्चाताप। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी यानी 24 दिसंबर। लंबे समय के इंतजार के बाद क्रिसमस आ ही गया। बच्चे आज विशेष रूप से बेहद उत्साहित हैं। ये नए नए परिधानों को पहनने, क्रिसमस केक का मजा लेने और सांता क्लॉज से मिलने का अवसर जो है, भाई यही तो हुई बच्चों की बात। पर बड़ों के पास भी कोई कम काम थोड़ी ही है। अरे भाई बहुत से काम हैं। घरों की रंगाई पुताई, पकवानों को तैयार करना, समय से बच्चों के नए कपड़ों को लेकर आना हर कोई कहीं न कहीं भागा जा रहा है। बिल्कुल भाई, कल बड़ा दिन यानी क्रिसमस का पर्व जो है, इसी दिन इसराइल देश के यहूदा प्रांत के बेथलहम गांव की एक गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह को यीशु मसीह के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्च सज चुका है। शानदार क्रिसमस ट्री चर्च के प्रांगण में सजा हुआ है और अंदर भी चारों तरफ रोशनी जगमगा रही है क्योंकि कल क्रिसमस है। अचानक तेज तूफानी हवा भी चलने लगी, वातावरण में सर्दी बढ़ गई। वर्षा इतनी अधिक हो रही थी कि बाहर कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। फादर ओमिली अपने कमरे में बैठे क्रिसमस के विशेष संदेश की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि कल बहुत भारी संख्या में लोग बड़े दिन की आराधना करने आएंगे। लगभग आधी रात हो चली थी। फादर ओमिली पूरे मनोयोग से बाइबल के पन्ने पलट रहे थे। पेज नंबर, कल के लिए कौन सा वचन चुनो, सभी तो एक से एक उत्तम है। हाँ ये अच्छा रहेगा। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं तुम उनसे भी प्रेम करो। वाह, कितना सुंदर कथन है। तो इसी पर आधारित उपदेश लिखता हूं। भला इतनी रात को कौन हो सकता है। आता हूं भाई, आता हूं। हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग टू फादर ओमिली? जी हाँ, मैं फादर ओमिली बोल रहा हूँ, कहिए। फादर, मैं नैन्सी बोल रही हूँ, न्यू लाइफ अस्पताल से। मैं यहाँ नर्स हूँ। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फादर, हमारे अस्पताल में कल एक पेशेंट आया था, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा लगता है, इट सीम्स कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ओह, मे गॉड ब्लेस हिम। बताइए नैन्सी, क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ? फादर, ओनली यू कैन हेल्प हिम। वो अपने अंतिम समय में है और वो किसी फादर से मिलना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है मानो वो पेशेंट कुछ कहना चाहता है। कुछ कहना चाहता है? यस फादर, वो बहुत बेचैन है। थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे कहता है कि किसी फादर को बुलाओ और कहता है मैं उनके सामने अपने मन का बहुत भारी बोझ हल्का करना चाहता हूँ जो मुझे खाए जा रहा है। कहता है मैं मरने से पहले पश्चाताप करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी आंखें शांति से बंद कर सकूँ। Oh God, bless him with your love, compassion, protection and peace. Amen. Don't worry sister, वो ईश्वर की आशीष में है। मैं जरूर आऊंगा। It's my divine duty to the Almighty God. कल बड़ा दिन है तो
क्या कल सुबह क्रिसमस की इबादत के बाद मैं आ सकता हूँ? नहीं फादर, उसकी तबीयत को देखते हुए लगता है कि शायद वो इतना इंतजार न कर सके। फादर प्लीज आप तुरंत आ जाइए ना। क्या मैं आशा करूँ कि आप आ रहे हैं? यस आई एम कमिंग। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अभी भी मूसलाधार वर्षा हो रही है, तूफान सा है। जाऊं तो कैसे जाऊं इतनी बारिश में? और वो न्यू लाइफ अस्पताल भी तो यहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और कल क्रिसमस भी है। इबादत का क्या होगा, कैसे करूं? लेकिन जिस ईसा मसीह का जन्मदिन मैं मनाने जा रहा हूं, क्या उसी की ये शिक्षा नहीं है कि बीमारों की सुधि लें? यीशु ने कहा था, यदि तुम किसी बीमार की सेवा करते हो, यदि तुम किसी अनाथ को शरण देते हो, यदि तुम किसी भूखे और असहाय की सहायता करते हो, तो ऐसा तुम मेरे साथ करते हो। यही तो सच्ची आराधना है। यस उमिली, तुम्हें उस बीमार व्यक्ति से मिलने अभी जाना चाहिए। यस मुझे जाना ही होगा। मैं ये रेनकोट ले लेता हूं। चाबी गाड़ी की। ठीक है, न्यू लाइफ अस्पताल फॉरन। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। ओह इतनी वर्षा। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वर्षा और आंधी का कहर जारी था। बहुत से पेड़ उखड़ कर गिर गए थे। रास्ते में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फादर ओमिली प्रार्थना करते रहे और चलते रहे। ध्यान से चलना पड़ेगा। ये ईश्वर, इस भारी वर्षा और तूफान में अस्पताल तक पहुंचने में मेरी मदद करना, और उसे भी सेफ रखना जो मेरा इंतजार कर रहा है। ओ लॉर्ड, कीप हिम सेफ अंडर योर माइटी विंग्स। And bless him to restore health. उसे सुरक्षित रखना। ये सामने से लेफ्ट, ये तो हॉस्पिटल का ही साइन है। Thank God. New Life अस्पताल सामने था। जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें तुरंत अस्पताल की तीसरी मंजिल में ले जाया गया। एक कमरे में बुजुर्ग आदमी बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। नर्स नैंसी ने फादर ओमिली को उस बीमार के कमरे में पहुंचाया और अपने ड्यूटी रूम में चली गई। इस समय कमरे में वो बीमार आदमी और फादर ओमिली अकेले थे। फादर ओमिली उसके पास बैठ गए और उसका सर सहलाने लगे। ओ माय ऑलमाइटी, आई प्रे टू यू टू ब्लेस दिस सोल। हेलो माय चाइल्ड, आंखें खोलो, कैसे हो? हाँ
मैं फादर ओमिली। फादर ओमिली मेरे पास यीशु की बड़ी आशीष है। यीशु की आशीष तो सब पर है माय चाइल्ड। थैंक यू सो मच। अब आए, नाम क्या है तुम्हारा? मैं जॉर्ज हूँ। बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कोई फादर मेरे पास आए। ईश्वर की कृपा के खुद फादर हो मिली मेरे पास आए हैं। खुश रहो, खुश रहो। आपका हाथ मेरे सिर पर, क्या मैं इस लायक हूं? नो नो माय सन, नो, डोंट क्राई। ईश्वर के लिए हम सब बच्चे के समान हैं। तुम, मैं, हम सब ईश्वर की नजर में हम एक जैसे ही हैं। तुम क्यों मन में दुख मानते हो? नहीं, आंसू पोछो। फादर, मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूल की है। उसका बोझ इतना बड़ा है कि लगता है बीमारी नहीं बल्कि ये अपराध बोध ही मेरी जान लेकर रहेगा। यीशु तो दया के सागर हैं। जॉर्ज माय चाइल्ड, अगर कोई सच्चे मन से क्षमा मांगे तो प्रभु यीशु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन पहले ये पानी पी लो। पियो, अब आराम से बताओ। फादर, मैं रेलवे सेवा में सिग्नल मैन का काम करता था। अब सेवानिवृत्त हो गया हूं। 12 साल पहले की बात है। हाँ, कहो। डोंट हेजिटेट जॉर्ज, ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है, बस वो आपके मुख से सुनना चाहता है। सेट सेट माय चाइल्ड। फादर, वो रात आज ही की तरह क्रिसमस से पहले की रात थी। इसी तरह उस रात भी तूफान चल रहा था। वर्षा के कारण मुझे शायद सिग्नल पैनल ठीक से दिखाई नहीं दिया। काश मैं और ध्यान से देख पाता। मैंने मालगाड़ी को जाने दिया। ओह माय गॉड, क्रॉसिंग पर उस समय एक कार जा रही थी। ओह माय गॉड, जीस, हेल्प माय चाइल्ड एंड हेल्प मी। से इट माय चाइल्ड, डोंट लेट द बर्डन बी ऑन योर हार्ट। मालगाड़ी कार से टकरा गई। कार के खच्चे उड़ गए। सुबह मुझे पता चला कि उस कार में एक पिता और उसकी दो बेटियां थी। उन तीनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। बस, रो मत, ये लो, पानी पियो, हाँ, रो मत। मुझे संदेह का लाभ मिला और मैं
मैं बच गया, मैं बच गया फादर। बस 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 शांत शांत हो जाओ जॉर्ज। यीशु, यीशु मुझे माफ करेंगे। अपने मन को शांत करो माय चाइल्ड, शांत शांत शांत, बस 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 जॉर्ज, तुमने ईश्वर को साक्षी मानकर अपना अपराध स्वीकार किया है। ईश्वर तुम्हें क्षमा करता, जिसे ईश्वर क्षमा करे उसे भला कौन क्षमा न करेगा। मुझे पूरा विश्वास है वो व्यक्ति भी जिसके तुम अपराधी हो यदि यहां होता तो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हो। सच फादर? एकदम सच माय चाइल्ड, तुम्हें क्षमा मिल चुकी है। मेरी आंखों में देखो, तुम भी ईश्वर को उतने ही प्यारे हो जितने सभी संसारवासी। मन पर कोई बोझ ना रखो माय चाइल्ड, तुम अपराध मुक्त हुए। यू आर अ ब्लेस्ड सोल माय चाइल्ड। जॉर्ज ईश्वर का प्यारा बच्चा है। ईश्वर जॉर्ज को बहुत प्यार करता है। ईश्वर की गोद जॉर्ज के लिए सुरक्षित है। रिलैक्स रिलैक्स, जॉर्ज ईश्वर का प्यारा बच्चा है। सो जा, सो जा। फादर सुबह तक जॉर्ज के साथ बने रहे। मेडिकल टीम ने हर संभव प्रयास किया लेकिन जॉर्ज को बचाया नहीं जा सका। इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट आई कमेंड हिज सोल टू हैव इटर्नल रेस्ट। आमेन। जॉर्ज रेस्ट इन पीस। Rest in peace, my child. जॉर्ज के चेहरे पर मुस्कान सी थी। वो अपने हृदय का बोझ उतार कर इस दुनिया से दूर, बहुत दूर जा चुका था। और फादर ओमिली, वो अपनी कार में बैठकर स्टेयरिंग पर सर रखकर खूब रोए। इस समय वो फादर ओमिली नहीं थी, बल्कि इस समय वहां था बच्चों की तरह रोने वाला एक बेटा, एक भाई ओमिली, जो बंद कार में अकेले अपने मन की परतें खोल रहा था। जॉर्ज, जॉर्ज, उस रात को जिन तीन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो कोई और नहीं, मेरे मेरे पिता थे और मेरी बहनें थी। हाँ जॉर्ज, मैंने उस क्रिसमस पर एक साथ उन तीनों को खो दिया था। एक साथ
वो भयानक तस्वीर कभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई जॉर्ज। I miss them all the time, George. I miss them all the time. But thank you. Thank you, George. आज भी क्रिसमस है और तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने मुझे कितना बड़ा उपहार दिया। हाँ जॉर्ज, पता है तुमने मुझे क्षमा करने का मतलब समझाया। थैंक यू जॉर्ज। सच जॉर्ज, ईश्वर हम सबको क्षमा करता है। वो यही तो हमें सिखाना चाहता है कि हम बदले की भावना से मुक्त हों और क्षमा करना सीखें। मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर सच्चे मन से तुम्हें क्षमा किया है जॉर्ज। अरे आज तो क्रिसमस का उपदेश देना था, मैंने तो अभी तक लिखा ही नहीं। पर भला इससे बड़ा क्रिसमस का संदेश क्या हो सकता है। जैसे आपने हमें क्षमा किया, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। यही तो सच्चा क्रिसमस उपदेश है। यही है क्रिसमस। जन्मदिन मुबारक हो प्रभु यीशु। हैप्पी बर्थडे। पश्चाताप। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष आभार राजेश कुमार निमेश। आलेख अजीत होरो। कलाकार बाबला कोचर, किशोर साहिजानी, शालिनी सिंह, ममता मलकानी और वैभव श्रीवास्तव। तकनीकी निर्देशन पटिलैंग लिंगडो। ध्वनि अंकन विकास सांगवान। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और जगबंधु जाना। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।